छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र में ध्यानाकर्षण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस हुई। सत्ता पक्ष ने किसानों के कर्ज माफी मुद्दे को लेकर विधानसभा में उठाया तो विपक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि आज सभी किसान कर्ज मुक्त हैं। विधानसभा में भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में किसानों के कृषि ऋण माफ नहीं किए जाने का मामला उठाया। प्रदेश में कई किसानों के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके साथ विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी सहमति जताते हुए प्रदेश भर में किसानों का ऋण माफ नहीं होने का आरोप लगाया, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आज कोई भी किसान ऋणी नहीं है, सभी किसानों का कर्ज माफ किया गया है। साथ ही भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में कोई भी किसान ऋणी नहीं रहेगा। बैंकों से बातचीत की जा रही है, आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ती है, ऐसे में समय लगता है। सभी किसानों का ऋण माफ होगा, सरकार प्रयास कर रही है कि सभी किसान ऋण मुक्त होंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी को लेकर वादा किया था और इसी वादे को लेकर कांग्रेस सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही है। हालांकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका कर्ज माफी अभी तक नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश भर के किसानों की कब तक कर्ज माफी कर पाती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश जायसवाल।